आज के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। आज छिंदवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। आज कमलनाथ के गढ़ में मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम, शिवराज की हुंकार आज इसी गढ़ में सुनाई देगी। सौंसर में हनुमान लोक का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री, रोड शो भी यहाँ पर करने वाले हैं। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की बीजेपी की एक कोशिश, और साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया जब उतरते हैं जमीनी स्तर पर तो निश्चित तौर पर जिले के लिए सौगातों भरा दिन भी होता है। हो सकता है कि छिंदवाड़ा को भी विकास कार्यों की सौगात मिले। रोड शो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का, सिंधिया माफ कीजिएगा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहुंचना चुनावी साल में निश्चित ही संपर्क साधने की कोशिश जनता से। और इधर समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने मध्यप्रदेश की 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। निवाड़ी से मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रजगोपाल पटेल उर्फ बबलू पटेल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, भांडेर से आरडी राहुल, महगांव से डॉक्टर ब्रज किशोर सिंह गुर्जर, ये 4 नाम सामने आए हैं समाजवादी पार्टी से। 4 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पहले ऐसा नहीं हुआ, इस बार ही आप देख रहे होंगे कि मध्यप्रदेश बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट, उसके बाद आप देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 4 प्रत्याशी मैदान में, जिनकी घोषणा हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए समाजवादी पार्टी की तरफ से किस सीट के लिए कौन उम्मीदवार बनाया गया है। निवाड़ी की बात करें, मीरा दीपक यादव मैदान में है। राजनगर की अगर बात करते हैं तो यहाँ ब्रजगोपाल पटेल हैं। भांडेर प्रमुख सीट है, आरडी राहुल यहाँ पर उतारे गए हैं। महगांव की अगर बात करें तो ब्रज किशोर सिंह गुर्जर। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक इन 4 उम्मीदवारों की घोषणा 4 मुख्य सीटों के लिए। इससे पहले बीजेपी ने भी 39 उम्मीदवार मैदान में उतारे। चुनाव की घोषणा से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवार उतारने का सिलसिला लगातार देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की अगली खबर की, जहां ईडी की बड़ी कार्रवाई कल हुई। विनोद वर्मा के घर पर ईडी का छापा पड़ा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर विनोद वर्मा जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर के घर पर भी अधिकारी पहुंचे हैं। आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। कुछ अन्य मामले जिनसे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक ईडी के अधिकारियों की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया इस कार्रवाई को लेकर। आधिकारिक बयान का फिलहाल इंतजार, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर पर भी छापा, और राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश अपने स्तर पर। और ईडी की इसी कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी बयान सामने आया। निशाना साधा उन्होंने एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ में ईडी को चुनाव लड़ने का ठेका दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो 200 से 300 आईटी की टीम भी आएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव हार चुकी है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इसी कारण से ईडी आईटी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ठेका दे दिया गया है। और जो स्तर है वो निम्न से निम्न स्तर कहा जा सकता है, वो उतर आए हैं। और भी तो और होगा, जो जानकारियां मिल रही है उसमें तभी ये टीम आई है। अब आईटी के 200-300 लोगों की टीम और आने वाली है, वो घर घर में छापा डालेंगे, गली गली में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, और ये ना समझें कि सत्ता में बैठे हैं तो जिंदगी भर सत्ता में रहेंगे। ये सर राष्ट्रीय स्तर पर, और क्योंकि जब रावण का घमंड नहीं टिका, बचत लोगों की क्या मिसाल। और ईडी की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा गया। कांग्रेस की सरकार पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने निशाना साधा, प्रदेश की सरकार को भ्रष्टाचारी करार दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, नित नए किस्म के भ्रष्टाचार इस छत्तीसगढ़ में, भ्रष्टाचार का इतिहास रचा है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, अभी गोबर घोटाला हो गया, पीएससी में घोटाला हो गया। इस सरकार का एक ही काम रह गया है,
कमीशन और करप्शन। आज ईडी ने फिर से एक बार इन भ्रष्टाचारियों के हाथ दबिश दी है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, आशीष वर्मा, मनीष बंछोर, विजय भाटिया, जो बड़े कारोबार, कल तक ये कुछ नहीं थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार के माध्यम से ये बड़े कारोबारी बन गए। आगे बढ़ते हैं सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां दो इनामी नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। 1-1 लाख के दो इनामी नक्सलियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। नक्सलियों के पास से विस्फोटक बरामद हो चुके हैं। टिफिन बम, इलेक्ट्रॉनिक वायर और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। किसका राम और चिंता गुफा के तिगमपल्ली से दोनों की गिरफ्तारी। कई सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे, सुरक्षा बलों की इनकी तलाश थी। 1-1 लाख के इनामी नक्सली जो कि अब पुलिस गिरफ्त। और मुंगेली से अगली बड़ी खबर, जहां करोड़ों की ठगी का आरोपी दंपति गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के पुणे से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप इन पर। हॉस्टल अधीक्षक और रेलवे में नौकरी का झांसा ये दिया करते थे। कई बेरोजगार युवाओं को ठगी का शिकार अभी तक बना चुके थे। आरोपी पति पत्नी को लोरमी पुलिस ने फौरन गिरफ्तार किया। मुंगेली की एक खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आरोपी दंपत्ति और पुलिस गिरफ्त में करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया करते थे। सरकारी नौकरी लगाने के एवज में रुपए ऐंठा करते थे। कई सारे युवाओं को ठगी का शिकार पहले भी बना चुके थे आरोपी पति पत्नी। लोर में पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। शिकायतें प्राप्त होने पर पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से पुलिस ने ये सफलता हासिल की। और कल भारत ने एक और बड़ा कीर्तिमान रचा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत का नाम उन तमाम देशों में दर्ज हो चुका है जहां चांद पर अपने रोवर उतारने में जो देश सफल हुए हैं। चौथा ऐसा देश भारत। इससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तीनों तस्वीरें कल से ही सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और भारत को गौरवान्वित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वर्चुअली जुड़े हुए थे, सब कुछ देख रहे थे किस तरह से लैंडिंग हो रही है। दूसरी तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, चांद पर जब चंद्रयान 3 ने लैंड किया तब किस तरह का नजारा था, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और तीसरी तस्वीर, इसरो में जश्न का माहौल। साइंटिस्ट जो अपनी सफलता को देखकर निश्चित तौर पर झूम उठे। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे इसरो में कल गूंजे। ये तीनों तस्वीर जो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से चंद्रयान 3 भारत के लिए एक बड़ी सफलता लेकर आया है। भारत अब एकमात्र एक ऐसा देश जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल और सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई।